Hello guys, this is my quarantine day number 5 and the only interaction you can see is this. No human interaction so far. Well, this was just to put a smile on your face. And coming to the main topic, acne scars. हमने स्टोरी में डाल दी है एक पेशेंट की पिक्चर जो हमने आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले ट्रीट किया था और ये अर्बलेटिव अर्बियम या एक लेज़र है जिससे कि आप मोल्स रिमूव कर सकते हैं फ्रेकल्स रिमूव कर सकते हैं आई लाइक टू ट्रीट स्ट्रेच मार्क्स एज वेल बट दैट्स माई ओन वे ऑफ ट्रीटिंग इट नंबर वन नंबर टू आप एक्नी स्कार्स के लिए बहुत कम डॉक्टर्स को देखेंगे दुनिया में जो एब्लेटिव अर्बियम या एक लेज़र को यूज़ करता है बिकॉज एब्लेटिव अर्बियम या एक लेज़र इज़ लाइक अ लेज़र नाइफ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल तो एक तो आप आते ही ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको लटा दिया जाएगा और डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं ऐसा नहीं होता यू हैव टू मेक अ प्लान यू हैव टू प्लान द नेक्स्ट 3 months क्योंकि आप इसके बाद ज़्यादा सूरज में नहीं जाएंगे ऑब्वियसली अगर कोई काम करता है तो उसको देखना पड़ेगा कोई डाउन टाइम जब आता है तो वो 7 से 10 दिन का होता है लेकिन फिर भी आपको अगले 2 से 3 महीने का अपना पूरा लाइफस्टाइल देखना पड़ता है नंबर वन नंबर टू एक तो प्लानिंग के साथ करते हैं नंबर टू ये बहुत बेहतरीन हील हो जाता है 7 से 10 दिन में तो अगर आप 7 से 10 दिन भी नहीं दे सकते अपने आप को तो फिर बेहतर है कि आप ये ट्रीटमेंट ना करवाएं ये वो वाहिद ट्रीटमेंट है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आप कम अज़ कम 90% से ज़्यादा टारगेट अचीव कर लेंगे अपनी स्कार्स को मिटाने के लिए और मैंने जब फेस कॉन्फ्रेंस लंदन में भी लेक्चर दिया था तो उसके क्लिप्स डाले थे और मैंने कहा था कि डॉक्टर मिटाने या रिमूवल का वर्ड सिर्फ इसी लेज़र के अंदर यूज़ कर सकता है बाकी जितने भी लेज़र्स हैं या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं उसमें आप बहुत मध्यम कर सकते हैं मगर रिमूव तो कर ही नहीं सकने का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत स्पेशलाइज प्रोसीजर है और ये सिर्फ खुद से नहीं किया जा सकता कि सिर्फ यही किया जाए ऑब्वियसली आई हैव माई ओन वेज ऑफ ट्रीटिंग द एक्नी स्कार्स आई लाइक टू डू फल्ग्रेशन आई लाइक टू डू एक्सिजन समटाइम्स आई लाइक टू डू सब्सिजन सो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज बट द पॉइंट इज कि ये एक इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है ये अगर आपने 100% से तो खैर रिजल्ट नहीं आ सकते क्योंकि जब एक दफ़ा स्कार पड़ गया तो वो ब्रांड न्यू कपड़ा नहीं बन सकता ये मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ लेकिन अगर आप उसको 90% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी दे दें तो पेशेंट के लिए इट्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस और वो सिर्फ इसी लेज़र के साथ पॉसिबल है और एज फार एज अ कॉस्ट इज कंसर्न तो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग ये इतना ईजी नहीं है नंबर वन आपके स्कार की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्कार्स और फेस के किस एरिया में है या बॉडी के किस एरिया में इस पर डिपेंड करता है सो व्हेन यू सेंड द पिक्चर्स वी कैन जस्ट गिव यू अ वेरी रफ एस्टिमेट ऑफ दैट पिगमेंटेशन आने में कुछ हफ्ते लगेंगे और आपके साथ पिक्चर्स को हम शेयर करते जाएंगे सो दिस इज ऑन द 6th day और जैसे जैसे पेशेंट पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे टिल देन लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड स्टे सेफ